हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, फाइनली आज मैं क्लास 12 जो हमारी सीरीज चल रही है फिजिकल एडुकेशन की, वहां पर चैप्टर 1 जो हमारी प्लानिंग एंड स्पोर्ट है उसका मैं यहाँ पर आज एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक मैं सारा यहाँ पर डिटेल बताया था आपको, पूरा प्लानिंग स्पोर्ट का एक एक टॉपिक को मैंने कवर किया था। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने वो चारों पार्ट देखा होगा वो ये दो जो मैं आगे 10-11 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो सारा चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। ओके, ध्यान रखिएगा, इस साल से इवन लास्ट ईयर से आपका यहाँ पर 20 एमसीक्यू क्वेश्चन फिजिकल एडुकेशन में इंक्लूड हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट रखते हैं तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देख के जाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके फिजिकल एडुकेशन जो टोटल 10 चैप्टर है उसमें से हर एक चैप्टर से आपका दो दो एमसीक्यू आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आज हम लोग करने वाले प्लानिंग स्पोर्ट चैप्टर 1 का एमसीक्यू। ओके, यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो हमारा है कि लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, ध्यान रखिएगा ये 2019 में भी ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ओके, तो ये बताइए, चलिए मैं यहाँ पर देखिए जो भी मैं क्वेश्चन बोलूंगा सबसे पहले एक बार आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप लोग देखिएगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत। ओके, तो आपका क्वेश्चन है कि लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, ऑप्शन आपका है नॉकआउट टूर्नामेंट, ऑप्शन बी है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ऑप्शन सी है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, या फिर ऑप्शन डी है चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक है, तो 1, 2, 3, तो आयुपन आप सभी ने आंसर मार दिया और करेक्ट ऑप्शन क्या बताइए, करेक्ट आंसर होने वाला हमारा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ये मैंने आपने वीडियो में बता दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू इस साल भी आपका पूछा गया था। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मैचेस इन सिंगल लीग टूर्नामेंट, ये भी मैंने अपने वीडियो में बताया था, आपको बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने का सिंगल लीग टूर्नामेंट में। ठीक है, आपको बता होगा सिंगल लीग क्या होता है कि हर एक टीम आपस में एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलेगी, उसको हम लोग सिंगल लीग टूर्नामेंट बोलते हैं। और डबल लीग में क्या होता है, बताइए, डबल लीग में हर एक टीम मतलब एक दूसरे टीम के साथ दो दो मैच खेलेगी। ओके, जैसे डबल लीग का एग्जाम्पल हमारा आईपीएल होता है, तो यहाँ पर बताइए सबसे पहले सिंगल लीग का यहां पर कौन सा फॉर्मूला सही है, तो बताइए 1, 2, 3, तो यहां पर हमारा ऑप्शन जो डी है ये हमारा n(n-1)/2, ठीक है, ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने का। यहां पर n क्या है, यहां पर n है नंबर ऑफ टीम्स। ओके, ये मैंने बताया था। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका डबल लीग टूर्नामेंट का यहाँ पर होता है, ठीक है, ये सिंगल लीग का, ये डबल लीग का होता है। तो आज ही पर आपको ये दोनों एमसीक्यू समझ में आया होगा। अब जो हमारा थर्ड एमसीक्यू जो स्क्रीन में देख पा रहे, देखिए थर्ड एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ये सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि आपको कोई ऐसा टूर्नामेंट या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम जहां पर जो मेन पर्पज होता है वो अवेयरनेस को यहाँ पर फैलाना होता है, कोई भी कंपटीशन यहां पर इसका मेन पर्पज नहीं होता है। ठीक है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स क्या होता है कि जो उसका मेन पर्पज होता है वो आपको अवेयरनेस पब्लिक के अमंग फैलाना होता है, इसका मेन एम पैसा कमाना या फिर अवार्ड जीतना ये सब नहीं होता है। ओके, तो यहां पर देखिए, यहां पर बोला गया है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम नहीं है। पहला ऑप्शन है स्पोर्ट्स डे, सेकंड है रन फॉर यूनिटी, थर्ड है आपका रन फॉर रन, और फोर्थ है आपका हेल्थ रन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, बताइए, चलिए 1, 2, 3, तो आइए मतलब आप सभी लोगों ने टिक मार दिया, जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट आपका होने वाला है सी, मतलब कि ये सी जो रन फॉर रन है ये आपका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पर इसकी जगह रन फॉर फन दिया है, ध्यान रखिएगा रन फॉर फन, ठीक है, FUN यहाँ पर होता तो ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता। ठीक है, तो आपको वर्डिंग में भी घुमाया जा सकता है, यहाँ पर रन फॉर यहाँ पर रन गिवन था, मतलब कि ये हमारा स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन सी है वो इस वाले एमसीक्यू का आंसर होने वाला। ध्यान रखिए, कभी कभी देखिए यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल में होता है वो आपका होता है रन फॉर फन, ठीक है, तो एग्जाम में अभी कभी कभी कर आपका फन फॉर रन भी दे सकता है, ये सब बात का ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा बात है बट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, जो आपका एमसीक्यू नंबर 4 है वो ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर स्कूल्स कॉम्पिटिशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इंटर स्कूल्स कॉम्पिटिशन आपको यहाँ पर कौन सा टूर्नामेंट को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने यहाँ पर आपने जब मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया था ये चैप्टर को तो उससे मैंने आपको क्लियर बताया था। ठीक है, तो 1
2, 3 आयु अपन आप सभी लोगों ने टिक मार दिया हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका दिया हुआ इंट्रामुलर, एक्स्ट्रामुलर या फिर लीग या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये इंट्रामुलर क्या होता है। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था ऑलरेडी कि इंट्रामुलर क्या होता है, कि देखिए इंट्रा मतलब कि विद इन मतलब अंदर, ठीक है, और मुलर मतलब कि वाल, मतलब कि कोई भी कॉम्पिटिशन जो एक वाल के अंदर होता है, एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है, उसको आप लोग इंट्रामुलर कॉम्पिटिशन बोलते। जैसे कि आपको एग्जाम्पल, जैसे आपके स्कूल में होता होगा हाउस कॉम्पिटिशन, लाइक आपको पता होगा कबड्डी होता होगा, आपका स्कूल में चेस होता होगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपका खुद ही स्कूल में, आपको पता होगा कि हर एक, जैसे कि जो स्कूल में था वहां पर हर एक सैटरडे को यहाँ पर होता था, यहाँ पर कुछ पता कि आपका स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता था। ठीक है, जहां पर हमारे स्कूल के बच्चे ही यहाँ पर मतलब कि पार्टिसिपेट करते थे। ओके, तो उसी को आप लोग इंटर मतलब कि एक स्कूल के अंदर ही जो आपका यहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है उसको आप लोग इंटरमुलर बोलते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा मुलर किसको बोलते हैं, जो आपका 4, 5, 6, 7, 8 स्कूल के बीच में होता है। जैसे आपको पता होगा कि डीएबी ए वर्सेस डीएबी बी में आज मैच हुआ, यहाँ पर डीएबी ए ने जीता, डीएबी बी हार गए, ये सब जो आपका होता है इसको आप लोग एक्स्ट्रा मुलर मतलब कि एक्स्ट्रा मुलर मतलब कि आपका 3 से 4 स्कूल के बीच में आपका कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मुलर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मतलब क्या हुआ, देखिए इंटर स्कूल मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं इंटर स्कूल मतलब कि सोचते हैं कि एक स्कूल मतलब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटर स्कूल मतलब क्या होता है बताइए, 3 से 4 स्कूल के बीच में कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट होने वाला वो हमारा ऑप्शन बी होने वाला है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा मैं वीडियो को लंबा खींच रहा हूँ ताकि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में दे सकूँ, अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, यहाँ पर गिवन है इंटर स्कूल मतलब क्या हुआ, इंटर स्कूल मतलब कि 3 से 4 स्कूल के बीच में मैच हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मुलर आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू नंबर जो 5 जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है कि लीग कम नॉकआउट इज अ पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट। ठीक है, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन या फिर कंसोलेशन, ये बहुत इजी है। अगर आपने वो पार्ट 1 से लेकर 4 देखा होगा उसमें मैंने ये क्लियर कट आपको बताया था। ठीक है, तो 1, 2, 3 आइए अपन आप सभी ने लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। इसका सही आंसर क्या है बताइए, सही आंसर होने वाला हम आपका कॉम्बिनेशन। कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बीच में कम दिख गया इसका मतलब होता है ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लीग होगा, यहाँ पर नॉकआउट कम लीग होगा, लीग कम लीग होगा, नॉकआउट कम नॉकआउट होगा, तो भी आपका जो होने वाला वो आपका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का टाइप ही ये होता है, अगर कोई भी अगर आपको यहाँ पर कम वर्ड दिखेगा तो वो आपका कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। वो मैंने आपको ट्रिक बताया था आपने जब मैंने यहाँ पर आपको सीरीज स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहां पर इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 6 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड है कि देखिए फाइनेंस कमिटी मैनेजेस ड्रेस ऑफ द इवेंट। ठीक है, जो आपका फाइनेंस कमिटी वो कौन सा आपको इवेंट को मैनेज करता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा। एक आपका होगा ऑर्गेनाइजेशन, एक आपका बजट होगा, एक इंप्लीमेंटेशन, एक मैनेजमेंट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, मैंने आपको आपको बताया था कमिटी के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन होता है, पब्लिक होता है, फाइनेंशियल होता है, बहुत सारा कमिटी होता है जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, और ये एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, 3 या 5 मार्क्स में आपका आ सकता है। ओके, तो वीडियो पॉज कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, 1, 2, 3 आई पर फ्रेंड आप सभी लोगों ने, यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर दिया होगा। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, नाम ही से क्लियर है, फाइनेंस कमेटी मतलब क्या जी, फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस मतलब क्या होता है, पैसा, पैसा मींस बजट। ठीक है, तो फाइनेंस कमेटी आपका बजट ऑफ द इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाता है, मेंटेन करता है, मैनेज करता है। ओके, चलिए आपका जो नेक्स्ट एमसीक्यू, जो आपका एमसीक्यू नंबर 7 है कि इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग देन हाउ मेनी बाइज आर नीडेड टू बी गिवन इन अ सिंगल नोक टूर्नामेंट। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि आपको देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आपको बोला गया कि यहाँ पर आपका यहाँ पर कितना टीम्स है, 17 टीम्स आपका पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि 22 कितना दिया जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैंने याद है होगा, अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा, नंबर ऑफ 22 का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ 22 का आपका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, हाइएस्ट पावर ऑफ 2, हाइएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस क्या होता है बताइए, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस क्या होता है, माइनस जो आपका यहाँ पर टीम दिया गया मतलब कि जो आपका टीम यहाँ पर 17 इस केस में। ठीक है, तो आपको हाईएस्ट पावर ऑफ 2 17 से नियर में, देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ 2 नियरेस्ट टू गिवन टीम्स। ठीक है, तो यहाँ पर 17 से हाईएस्ट पावर क्या होता है, आपको पता होगा कि 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है। ठीक है, तो 17 से हाईएस्ट पावर क्या होता है बताइए, 32 होता है, तो यहाँ पर 32 माइनस 17 लिखेंगे, 32 माइनस 17 हमारा 15 होता है। ठीक है, तो हमारा 15 22 दिया जाएगा इस वाले टूर्नामेंट, मतलब कि ऑप्शन
ऑप्शन जो हमारा सी होने वाला है, ये ऑप्शन सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो आइए अपन आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारा एमसीक्यू नंबर जो 8 है वो ये देखिए, विच टीम्स आर यूजुअली लेफ्ट आउट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, ये मैंने आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा तो समझ में आएगा। ठीक है, आपको बोला गया है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में स्टार्टिंग में कौन सी टीम जल्दी मतलब बाहर हो जाती है। ओके, यूजुअली जो आपका लो टीम होगा या फिर स्ट्रॉन्ग टीम होगा या फिर हाई टीम होगा या फिर वीक टीम होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद मैं बताता हूं। 1 2 3 आई पॉइंट आप सब लोगों ने आंसर दे दिया। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर लो टीम है, लो एंड हाई, ये क्या कोई टीम होता है? लो टीम ये आपने सुना है, हाई टीम की आपने सुना है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग टीम एंड वीक टीम। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि स्ट्रॉन्ग या वीक। तो यहाँ पर देखिए जो नॉकआउट होता है उसमें आपका स्ट्रॉन्ग टीम आपका स्टार्टिंग में बाहर हो जाती है। क्यों हो जाती है? सपोज कीजिए कि आपको दो, सपोज कीजिए कि आपके नजर में, सपोज कीजिए कि आपका मुंबई इंडियंस और आपका सपोज कीजिए कि धोनी वाला टीम, ये सपोज कीजिए कि रोहित शर्मा और धोनी का टीम आपके नजर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है आईपीएल में। ठीक है, अब दोनों आपस में स्टार्टिंग में ही मैच करवा दिया, तो इसका चांसेस है कि जो दोनों स्ट्रॉन्ग है, देखिए दोनों से दोनों तो आपको क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, एक ही क्वालिफाई करेगी। अगर दोनों के बीच में मैच हुआ तो आपको सपोज कीजिए कि स्टार्टिंग में ही ये दोनों के बीच में मैच हो गया, तो सपोज कि कोई एक टीम अगर आपका हार गई तो वो तो आपका स्ट्रॉन्ग टीम ही ना हारी, क्योंकि दोनों टीम तो अच्छी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर नॉकआउट में आपका स्ट्रॉन्ग टीम इनिशियली बाहर हो जाता है। ओके, हो जाती है, तो इसलिए यहां पर इसका जो ऑप्शन होने वाला वो बी होने वाला है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए वो आपका ये है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ टूर्नामेंट। ठीक है, इसमें से देखिए जो चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा टाइप का टूर्नामेंट नहीं है। यहां पर स्टूडेंट यूजुअली कमिट मिस्टेक करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, ऑप्शन आपका है इलिमिनेशन, नॉक इन, राउंड रॉबिन या फिर कॉम्बिनेशन। आपको बताना है कि ये कौन सा, ये चारों में से कौन सा एक टूर्नामेंट जो आपका टाइप नहीं होता। ठीक है, 1 2 3 तो आगे पर आप सभी लोगों ने ट्राई किया होगा। आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर ऑप्शन ए मारा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑप्शन बी मारा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑप्शन सी मारा होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो सी है, सी आपको यहाँ पर देखिए जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि लीग टूर्नामेंट, फिर इसमें लिखा हुआ कि और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ठीक है, जो कि मैंने आपको एमसीक्यू नंबर 1 में बताया था। ओके, तो यहाँ पर देखिए तो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट आपको स्टूडेंट को यहाँ पर अगर आपको पता नहीं होगा कि लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, तो आप लोग सी भी मार सकते हैं, बट यहाँ पर सी नहीं होगा क्योंकि ये लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम होता है। अब कॉम्बिनेशन तो आपको बताया ये भी होता है, आपको बताया कि चैलेंज भी होता है, वो तो यहाँ पर गिवन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप स्टूडेंट ये दो में कंफ्यूज होएगा, एक एलिमिनेशन और एक नॉक इन। ठीक है, देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, बट जी देखिए आपका नॉक आउट और एलिमिनेशन दोनों सेम टू सेम होता है। नॉक आउट का दूसरा नाम, नॉक आउट मतलब क्या होता है कि बाहर होना, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि टू एलिमिनेट, मतलब कि एलिमिनेट होना। ठीक है, तो आपका नॉक आउट और एलिमिनेशन दोनों सेम होता है, मतलब कि ये भी आपका टूर्नामेंट है, और नॉक इन ये कोई टूर्नामेंट नहीं होता। ठीक है, तो नॉक आउट होता है, नॉक इन नहीं होता है। ओके, नॉक आउट आप लोग यहां पर एलिमिनेशन को भी नॉक आउट बोलते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी जो नॉक इन है, ये आपका कोई भी टूर्नामेंट नहीं होता है। तो आज अपना आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए जो हमारा एमसीक्यू नंबर जो 10 में जो स्क्रीन देख पा रहे, देखिए ये हमारा गिवन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ये मैंने पढ़ाया तो ऑलरेडी। वैसे सीडिंग इज द प्रोसीजर बाय विच गुड टीम्स आर प्लेस इन फिक्चर इन सच अ वे दैट स्ट्रॉन्गर टीम्स डू नॉट मीट ईच अदर एट द डेज ऑफ टूर्नामेंट। मतलब क्या हो, देखिए सीडिंग एक आपका प्रोसीजर होता है जिसमें आपका जो गुड टीम है वो ऐसा जगह प्लेस किया जाता है ताकि जो स्ट्रॉन्ग टीम होता है, जो जैसे कि आपको बताया था, जैसे सपोज कीजिए कि धोनी वाला टीम स्ट्रॉन्ग है, रोहित शर्मा वाला टीम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वो लोग अगर मतलब ऐसा जगह वो लोग को प्लेस किया जाता है कि वो लोग स्टार्टिंग में ही बाहर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है कि इन सच अ वे डेट स्ट्रॉन्गर टीम डू नॉट मीट ईच अदर एट द डेज ऑफ टूर्नामेंट। मतलब क्या बताइए कि वो लोग कब आपका टूर्नामेंट में स्टार्ट, मतलब कि आपका मीट, मतलब दोनों कब कौन सा टाइम में आपस में दोनों नहीं खेलते। मतलब क्या हो, देखिए सबसे पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ऑप्शन क्या है देखिए, स्टार्ट, मिडिल या फिर एंड या फिर नेवर। ठीक है, 1 2 3 तो इसका देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है स्टार्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि सीडिंग आपका एक ऐसा प्रोसीजर होता है, एक ऐसा मेथड होता है जहां पर स्ट्रॉन्ग वाले टीम को स्टार्टिंग में मैच नहीं खिलाया जाता। अगर आपने वर्ल्ड कप देखा होगा तो ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाया जाता है। तो क्या आपने ऐसा देखा कि ग्रुप ए में इंडिया भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, इंग्लैंड भी हो गया, साउथ अफ्रीका भी हो गया, ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसमें से एक आयरलैंड होगा, एक आपका अफगानिस्तान होगा, ऐसा ऐसा टीम को यहां पर डाला जाता है ताकि आपका बैलेंस मेंटेन हो। ठीक है, ताकि स्ट्रॉन्ग
टीम स्टार्टिंग में ही बाहर ना हो जाए। तो यहाँ पर यही यूसी को आप लोग सीडिंग बोलते हैं। सीडिंग मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग टीम को आपस में इनिशियली आपका मतलब मैच नहीं करवाया जाता है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन होने वाला वो आपको होने वाला ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। स्टार्टिंग में आपका मैच नहीं करवाया जाता स्ट्रॉन्ग टीम के मैच में बीच में। ठीक फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रा मुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा मुलर क्या होता है कि चार से पांच टीम के बीच में, चार से पांच स्कूल के बीच में आपका मैच ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर में एक्सप्लेन किया था। ओके, तो आपको बोला है कि एक्स्ट्रा मुलर का कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से पढ़ाया था अपने वाले सीरीज में। ठीक है, तो प्लीज एक बार आपके पास टाइम है तो जाके वो वाला सीरीज देख लीजिएगा। ऑप्शन क्या है, देखिए, टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फ्रेटर्निटी, टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक, टू हेल्प इन रिक्रिएशन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका चार ऑप्शन है, आपको पता करना है कि कौन सा है, 1, 2, 3। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करेंगे, मुझे पता है। सबसे पहले देखिए, जो ऑप्शन हमारा डी है, टू हेल्प इन रिक्रिएशन ऑफ द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट को रिक्रिएशन का मतलब ही पता नहीं रहता, तो वो यहाँ पर सोचता है ये तो सही होगा, हार्ड वर्ड मतलब कि ये सही होगा, बट यही वाला ऑप्शन आपका ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा मॉडल का नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, रिक्रिएशन मतलब होता है कि आपका मनोरंजन, इंजॉयमेंट। ठीक है, तो क्या एक्स्ट्रा मॉडल क्या आपका इंजॉयमेंट के लिए होता है? बिल्कुल भी नहीं। एक्स्ट्रा मॉडल होता है वो चार से पांच स्कूल के बीच में होता है। सपोज कि आप वर्ल्ड कप खेल रहे, तो वर्ल्ड कप आपका चार से पांच कंट्री के बीच में होता है, तो क्या वो एंजॉयमेंट के लिए होता? बिल्कुल नहीं, वो एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता, वो आपका अपने नेशन के लिए खेला जा रहा है। ओके, तो उसी तरह जब आपका इंटरमुलर में क्या होता है, इंटरमुलर आपकी स्कूल में ही ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ठीक है, तो वो आपका एंजॉयमेंट के लिए होता है, बट जो एक्स्ट्रामुलर होता है वो चार पांच स्कूल के बीच में होता है, तो वो एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता है, वो सीरियसनेस से खेला जाता है। ओके, तो यहां पर टू हेल्प इन रिक्रिएशन ऑफ द स्टूडेंट, रिक्रिएशन मतलब क्या हुआ कि मजाक, एंजॉयमेंट, मस्ती। ठीक है, तो यहां मनोरंजन, तो यहां पर इसलिए जो ऑप्शन डी है वो ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा मुलर का नहीं, ये इंट्रा मुलर का ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, तो आज मैं आपको ये 11 एमसीक्यू समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मैं पीडीएफ भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर एक बार आंसर देखना, देखिए ये आपका आंसर है 11 क्वेश्चन का। ठीक है, प्लीज यार इतना एफर्ट किया मैंने आपके लिए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैंने 11 एमसीक्यू क्वेश्चन तो करवाया करा, बट आपको सारा कॉन्सेप्ट भी दिया है। ओके, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर टिक 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 मराते गया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया हूं, मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया हूं। ओके, तो आइए, पर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। चलिए मिलते हैं एमसीक्यू के सीरीज 2 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।